तारीख के गलियारों में चहलकदमी, फने तामीर के बेहतरीन नमूनों की सैर, आलीशान मस्जिदें, कदीम मंदिर, खूबसूरती और रंगों की लताफत से वाकिफ सरजमीन जिसे कुदरत ने अपनी खूबसूरती का तोहफा दिया है। पहली दफा आने वालों को भोपाल आकर हमेशा हैरत होती है। आम सैरो सियाहत से हटकर देखें तो भोपाल में देखने और लुत्फंदोज होने के लिए बहुत कुछ है। मध्य प्रदेश का ये दारुल सल्तनत कुदरती मनासिर और जदीद शहरी मंसूबाबंदी का बेहतरीन संगम है। आज भोपाल के कई चेहरे हैं, जहां पुराना शहर, बाजार और मस्जिदें हैं तो वहीं नए शहर में पार्क और चौड़ी शहराएं भी हैं। भोपाल का सबसे दिलचस्प हिस्सा भीड़ भाड़ वाली गलियों और कदीम आलीशान इमारतों वाला पुराना शहर है। पुराना शहर यादगार है उस माजी की, जब इस शहर ने भोपाल की बेगमों और नवाबों की दौलतमंदी और शानो शौकत देखी थी। इन बेगमात और नवाबों ने आम आदमी की जिंदगी पर कैसा असर डाला था, अगर ये देखना है तो लाल चौक की भीड़ वाली तंग लेकिन साफ और सुथरी गलियों का एक चक्कर लगाकर देखा जा सकता है। भोपाल की मशहूर हुक्मरान बेगमात में सबसे नुमाया और ताकतवर हुक्मरान शाहजहां बेगम ने एक अजीम और खूबसूरत विरासत अपने पीछे छोड़ी। पुराने भोपाल में सबसे दिलचस्प इमारत ताजमहल है, जो बेगम की रिहायशगाह थी। ये इमारत इतनी अजीम थी कि अंग्रेज इसे भोपाल का ताजमहल कहते थे। इस इमारत का हर हिस्सा खास है। कहा जाता है कि इसके एक हिस्से में जब किसी जश्न का शोर शराबा होता था तो बाकी हिस्से इससे गैर मुतासिर रहते थे। ये था पुराने फने तामीर का कमाल। किसी जमाने में महल के अंदर का शीश महल शीशों और रंग बिरंगी नफीस नक्काशी से सजा हुआ था। बची हुई नक्काशी और तस्वीरें आज भी यहां गुजरे जमाने की याद दिलाती हैं। इमारत के नीचे कुछ खुफिया रास्ते हैं जो महल के पीछे झील तक जाते हैं। आजकल ये महल धूल और खाक का नमूना है और अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये अभी भी उस जमाने की याद दिलाता है जब ये महल शहर की जान हुआ करता था और बेगम शाहजहां के मुंह से निकला एक एक लफ्ज उनकी हुकूमत के हर खासो आम को मुतासिर करता था। बेगम शाहजहां की विरासत की बाकियात में एक मस्जिद ताजुल मसाजिद भी है, जो उनकी रिहायशगाह ताजमहल के पीछे झील के पार है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाने वाली ये इमारत शाहजहां बेगम ने 1868 में शुरू करवाई थी,
लेकिन उनकी मौत के बाद सन 1901 में ये मुकम्मल हो पाई। ताजुल मसाजिद एक बड़ी गुलाबी रंग की मस्जिद है जिसमें 3 सफेद गुंबद और 2 सफेद मीनारे हैं। आज भी पूरे भोपाल में ये सबसे नुमाया इमारत है। मस्जिद की 8 कोनों वाली मीनारे 18 मंजिला हैं और पूरे शहर में सबसे बुलंदोबाला नजर आती हैं। मस्जिद के कुशादा आंगन में एक हौज है। यहाँ एक मदरसा भी है और आंगन के चारों तरफ अकामत गाहें बनी हैं। मस्जिद के हॉल में बुलंद सुतून और मेहराबें इस तरह तामीर की गई हैं कि 27 छतें दिखाई देती हैं। छतें पत्ती नुमा खाके से आरास्ता हैं। ताजुल मसाजिद की खूबसूरती और पुरवकार शान को देखने हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। बेगम शाहजहां की विरासत में एक और नाम है नूरुस्सबाह कोठी का, जो कि साबिक रियासत भोपाल की बेहतरीन रिहाइश गाहों में से एक है। नूरुस्सबाह के माने हैं सुबह सवेरे की रोशनी। सन 1920 में ये इमारत नवाब हामिदुल्ला खां की बड़ी बेटी की रिहाइश गाह थी। ये कोठी मशहूर भोपाल झील के किनारे वाके है। आज नूरुस्सबाह कोठी नूरुस्सबाह महल के नाम से जानी जाती है, जिसमें एक अजायब घर भी है जहां शाही जमाने की चीजें जैसे शाही परचम और माही मरासिम महफूज हैं। माही मरासिम हाथी की पीठ पर रखा जाता था और ताकत और खुशहाली की अलामत समझा जाता था। ये सब चीजें अजीम रियासत की यादगार हैं। शहर भोपाल 9वीं सदी में परमार के मशहूर हुक्मरान राजा भोज के जरिए कायम हुआ था, जिनके नाम पर शहर का नाम भोजपुर रखा गया। भोजपुर शिव मंदिर के लिए मशहूर है, जो भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर राजा भोज ने बनवाया था। वो इल्म और फन का कद्रदान था। हरियाली और कुदरती खूबसूरती से घिरा हुआ ये मंदिर सुकून और चैन की आमाज का है। मंदिर के दरवाजे हिंदू देवी देवताओं जैसे कुबेर, द्वारपलास और नदियों की देवियों गंगा और जमुना और दीदाजेब खाकों से तराशे हुए हैं। इस मंदिर का शिवलिंग सारे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा और बड़ा है। इस पाकीजा मकाम की अंदरूनी दीवारें और वसी गुंबदनुमा छत शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री और राजा जनक वगैरह की तस्वीरों से सजी है। हालांकि मंदिर को कुदरती आफात और बहुत से बैरूनी हमलावरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, फिर भी इसकी खूबसूरती अब भी बाकी है। दूर दूर से लोग अब भी इसको देखने आते हैं। शौकत महल शहर के बीचों बीच चौक के इलाके में दाखिल होते ही नजर आता है।
शौकत महल का मंसूबा तैयार करने वाला और इसे तामीर करने वाला एक फ्रांसीसी था जो फ्रांस की शाही नस्ल से ताल्लुक रखता था। इस इमारत की खूबसूरती दो तहजीबों यानी गोथिक और निशात सानिया के बाद की आर्ट और खत्ताती के नमूनों और इस इलाके की इस्लामी तर्ज तामीर वाली इमारतों में मुनफरिद नजर आती है। भोपाल शहर की खूबसूरती का एक दूसरा अजूबा जिसे इंसानों का बनाया हुआ शाहकार कह सकते हैं, मोती मस्जिद है। ये मस्जिद मुगल फन तामीर की एक आला मिसाल है और हिंदुस्तान की दूसरी तारीखी इमारतों में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है। इस मस्जिद की बनावट बिल्कुल जामा मस्जिद दिल्ली की तरह है, मगर ये उससे छोटी है, लेकिन इसकी खूबसूरती लाजवाब है। मस्जिद के बीच का हॉल खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ है जो देखने के काबिल है। कुस्सिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां ने इस मस्जिद को सन 1860 में तामीर करवाया था। लोग आज भी इस मस्जिद में खामोशी से अपने रब की हमदो सना और कुरान ख्वानी में घंटों मशगूल रहते हैं। पुराने शहर के बीचों बीच तंग गलियों से घिरी ये कदीम जामा मस्जिद है। खूबसूरत जामा मस्जिद की तामीर कुस्सिया बेगम ने सन 1837 में कराई। सुनहरी नोकदार छड़ों की कारीगरी के साथ मस्जिद की मीनारें भोपाल के पुराने तमद्दुन की याद दिलाती हैं। मस्जिद में लातादाद कबूतरों के बारे में बताया जाता है कि यह सब कबूतरों के उस जोड़े की नस्ल से हैं जो गौहर बेगम अरब से लाई थी। लोग दूर दराज से इस जगह आते हैं और इबादत करते हैं। भोपाल उत्सव के दौरान भोपाल शहर में रौनक आ जाती है। इस दौरान पतंगबाजी का जश्न भी मनाया जाता है। नीले आसमान में रंगों की बहार सी आ जाती है।
आसमान में अपनी जगह बनाने के लिए जनजनाती पतंगों की आवाज से सारी फिजा गूंजने लगती है। सैकड़ों पतंगें जो चांद तारा, सूरज और तिरंगा कहलाती हैं, भोपाल के आसमान पर लहराती नजर आती हैं। बारीक कागज से तैयार ये पतंगें हर मौसम में उड़ाई जा सकती हैं। आसमान से शहर का नजारा पैराग्लाइडिंग करके देखा जा सकता है। विंटेज एंड क्लासिक कार का यहां एक दिलचस्प जश्न होता है। इस मौके पर तमाम साबिका नवाबीन पुरानी खूबसूरत कारें निकालकर शहर की सड़कों पर चलाते हैं। इस जश्न में कारों के सब तरह के मॉडल्स नजर आते हैं। ये मर्सिडीज बेंज, फोर्ड्स, जगुआर्स, मोरिस, फेरिस्त बहुत तवील हो सकती है। ये खूबसूरत कारें अपने शबाब के जमाने में सड़कों पर राज करती होंगी। आज ये इस बात की गवाह हैं कि भोपाल कभी नवाबों का शहर था और तब सिर्फ दौलतमंद ही कार रख सकते थे। नायाब कारों की नुमाइश के बाद लाल परेड ग्राउंड से कार रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया जाता है और ये कारें भोपाल की सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। भीड़ वाली सड़कों पर दौड़ती इन हसीन कारों को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर इनका नजारा करते हैं। इन कारों के पुरजोश मालिकान तेजी से इन कारों को दौड़ाते हैं जिससे माहौल में जोश पैदा हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, हैदराबाद जैसे शहरों में जो तारीख हिंद के किसी दौर में इख्तदार का मरकज रहे हैं, इन शहरों में अच्छी तरह महफूज की गई ऐसी नायाब कारों की तादाद बहुत है। तारीख के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारने के बाद अब वक्त है पुराने शहर के बाजारों की सैर का, जो न जाने कितनी सदियों से इसी तरह आबाद हैं। भोपाल अपने बटुओं के लिए मशहूर है। इस इलाके की सबसे पुरानी दुकान पारिक की है, जो इस तरह के बटुए भोपाल के हुक्मरानों के जमाने से बनाते चले आ रहे हैं। असल में ये भोपाली बटुए के नाम से मशहूर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज बड़ा होता गया और नए नए डिजाइन भी राइज होते गए। इन रंग बिरंगे सजे सजाए बटुओं और थैलों से आंखें नहीं चुराई जा सकती। इस तरह के बटुए दरअसल रानियां इस्तेमाल किया करती थीं। आज ये बटुए या पर्स सारी दुनिया में मशहूर हैं और बहुत से मुल्कों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें अमरीका और अरब मुमालिक खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। थैलों और बटुओं के दीदार के बाद भोपाल के चांदी से बने हुए मशहूर सामान की तरफ चलें। चांदी के सामान की बनी चीजें दस्तकारी के दिलकश नमूने हैं। चांदी से बनी चुनौती।
मकामी पान के खाने वाले शौकीन लोग इसमें चूना रखते हैं। छोटी छोटी चांदी की गोलियों का ये गुच्छा जो बहुत सी चीजों को सजाने के काम आता है। भोपाली इत्र जो फूलों की पत्तियों से और दूसरी कुदरती चीजों से बनता है, आज भी मकामी बाशिंदों और सयाहों में बहुत मकबूल है। मशहूर भोपाली सुरमा आंखों के लिए मुफीद और बिनाई देने वाला एक कामयाब नुस्खा माना जाता है। बाजार की पुरलुत्फ चहलकदमी के बाद अब वक्त है शाम का मजा लेने का, जिसके लिए झील की सैर से बेहतर और क्या हो सकता है। ये झील बादशाह भोज ने 1000 साल कबल बनवाई थी। कहा जाता है कि राजा भोज को जिल्द की बीमारी हो गई थी और इसका इलाज नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक दरवेश ने बादशाह से एक तालाब बनवाने के लिए कहा, जिसमें 365 मुआविन नदियों का पानी जमा किया जाए। इस तालाब के पानी में नहाने से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। इसलिए बादशाह ने अपने इंजीनियरों को तालाब बनाने के लिए बुलाया। उन्होंने बेतवा नदी के पास एक जगह तजवीज की, लेकिन इसमें सिर्फ 359 नदियों का ही पानी जमा हो पाया। एक गोंड सिपे सालार कालिया ने इस कमी को पूरा करने के लिए जमीन के नीचे नीचे बहने वाली नदियों की निशानदेही की। इस तरह 365 मुआविन नदियों की तादाद पूरी हो पाई। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, परिंदों की कतारें अपने आशियानों की तरफ जाने लगीं। झील में कश्ती पर बैठकर गुरूबे आफताब का ये सुनहरी नजारा वाकई मशहूर कुन है। ये तजुर्बा बहुत ही लाजवाब और हमेशा याद रहने वाला है। यकीनन यहां आने वाला इस अनोखे शहर भोपाल की सैर हमेशा याद रखेगा। ये झीलों का शहर भोपाल।